हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सीनियर किचन में। तो आज हम बनाएंगे ओल की रसेदार सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनती है और झटपट बन भी जाती है। तो एक बार ज़रूर इसे बनाकर खाएं और हमें बताएं कि कैसा लगा हमारी रेसिपी आपको। और इसे आप चावल, रोटी, पराठे, कोई भी डिश के साथ इसे सर्व कर सकती हैं, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो हमारे वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं ओल की सब्ज़ी। आज हम बनाएंगे ओल की सब्ज़ी रसेदार, जिसे हम दिखाते हैं। इसे जिमीकंद भी कहते हैं, सूरन भी कहते हैं, कितने लोग कितने जगह पर इसका अलग अलग नाम होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसे ओल कहते हैं। आज इसका हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम दिखाते हैं जो कैसे काटा जाता है। तो हमने ये 1 किलो ओल लिया है, इसे हम काटेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से इसे काटना है। पहले छील लेंगे, इसका जो ऊपर का छिलका है अच्छे से छील लेंगे। ये ज़मीन के नीचे होती है, तो इस तरह से इसे छील लेना है और अपने मनचाहे आकार में इसे काट लीजिए। थोड़ा काटने में इसका शेप जल्दी बन नहीं पाता है, तो इसी तरह से इसे हम काट लेंगे। पतला मोटा जिस तरह से आपको काटना हो उस तरह से आप इसे काट लीजिए। उसके बाद हम दिखाएंगे इसका सब्जी कैसे बनता है। तो इसे हम काट लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ओल को काट लिया है इस तरह से। तो हमने आधा लिया है और आधा रख दिया है, कल इसका हम चोखा बना के दिखाएंगे आप लोगों को, वीडियो डालेंगे उसका भी। तो इसको हम काट लिए हैं, अब इसे धोकर अच्छे से कुकर में 2 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए, तो देखिए हमने ऑयल जिसको हमने काट कर धोकर और कुकर में डाल के इसे हमने 2 सीटी लगा लिया है। देखिए अच्छे से पक गया है और इसे फ्राई करना है। थोड़ा मोड़ा होगा जो फ्राई करते समय अच्छे से पक जाएगा। तो इसके लिए हम तो हमने कुकर में इसे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसे ग्रेवी में भी डालना है और इसे फ्राई भी करना है, तो इसलिए नमक थोड़ा ही डालें। और हल्दी डालकर इसे हमने 1 बूंद तेल डालकर इसे, सरसों का ऑयल डालकर इसे हमने उबाल लिया है, 2 सीटी लगा लिया है और इसे हम थोड़ा मैरिनेट करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने इतना लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 से 3 कलियाँ होंगी लहसुन का, उसे हमने पेस्ट बना लिया है। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच बेसन है इसको मैरिनेट करने के लिए। और तो इसमें चलिए हम मैरिनेट कर लेते हैं पहले। हल्का सा मैरिनेट करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो 1 चम्मच हम बेसन डाल देते हैं, इतना बच गया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालने से फिर अच्छा नहीं लगेगा,
स्वाद अनुसार नमक, नमक कम ही डालें क्योंकि ग्रेवी में डालना है, और ये लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम, 2-3 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी डालें हैं इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। बेसन थोड़ा सा डाल देने से स्वाद बढ़ जाता है ओल का सब्जी का। और हमने जो बोला था ये चोखा हम बना कर देंगे, उसे भरता भी कहते हैं, देखिए ये भी डाल लिया हम, इन्हें 1 चम्मच इससे बेसन इसमें डाल दिए। अब इसे हम गैस पर, हमने कढ़ाई रख दिया है, इसे गर्म कर लेते हैं, और सरसों के ऑयल में ही हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा टेस्ट आता है। हम बार बार बोलते हैं ये सब्ज़ी देखिए कोई भी बनाइए, टेस्ट सरसों के तेल में ही आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये इसे हमने मैरिनेट कर लिया है, अब इसे हम कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके इसे फ्राई करेंगे। हमने सरसों के ऑयल ही लिया है, कढ़ाई में हम डाल देते हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके ऑयल को डाल देते हैं और फ्राई करेंगे मीडियम आँच पर। थोड़ा बहुत कच्चा, ज़्यादा सीटी लगाने से ये चोखा बन जाएगा, यानी भरता बन जाएगा, इसलिए सीटी हिसाब से लगा लें, और बाकी जो थोड़ा मोड़ा रहता है वो फ्राई करते समय पक जाएगा अच्छे से। और मीडियम आँच पर, लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर जो भी, इसे अच्छे से फ्राई कर लें, बाकी जो थोड़ा मोड़ा रहेगा वो पक जाएगा। इसे आप कढ़ाई में भी थोड़ा सा तेल हल्दी डाल के उबाल सकती हूँ, नहीं सीटी लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है। तो इसे हमने एक एक करके डाल दिया है, और इसे हम ढक्कन लगा देंगे, ढक देंगे, और फ्लेम को हम लो कर देंगे और देख लेंगे पक जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसे देखते हुए चलाते हुए, मैंने चलाते रहना है, यानी कि ढक दिए छोड़ दिए तो जल जाएगा। तो देखिए हमने सारे ऑयल को, यानी जिमीकंद को हमने फ्राई कर लिया है, और हल्का ही बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इस तरह से। और आप अगर चाहें तो इसे कच्चा ही यानी काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बेसन, थोड़ा हल्का सा डालकर उसे भी डायरेक्ट फ्राई कर सकती हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा आसान होता है। तो आपको जैसे मन हो उस तरह से फ्राई कर लीजिए। तो हमने फ्राई कर लिया है, अब ग्रेवी के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो हम ग्रेवी के लिए लिए हैं 1 प्याज, 4 कली लहसुन, और 6 से 7 मिर्च, आप अगर चाहें तीखा कम कर सकती हैं, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और तड़के के लिए प्याज लिए हैं, बड़ा साइज का प्याज है, इसे हमने बारीक काट लिया है इस तरह से, और तड़के के लिए ये भी लिया है 2 तेज़पत्ता, आधा टी स्पून पचफोरन है, और थोड़ा सा सरसों काली वाली, और 2 से 3 सूखी मिर्च है, तड़के में लगाएंगे हम। और सूखा मसाला में लिए हैं 1 चम्मच इस चम्मच से, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और लाल मिर्च इच्छा हो तो डालिए, या कस्तूरी लाल मिर्च भी डाल सकती हैं कलर के लिए, मेरे पास नहीं है हम नहीं डालेंगे। और हल्दी पाउडर लेंगे, और सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे। आप अगर चाहें तो अदरक भी पेस्ट में डाल सकती हैं, हम अदरक यूज़ नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं डाले हैं। और गरम मसाला अंतिम में, हो सके तो आधा टीस्पून
ऊपर से जब बन जाए ग्रेवी आपका तो उसमें डाल सकती हैं। तो चलिए हम पहले इसका पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए हमने पेस्ट बना लिया है खड़े मसाले का, मसाला नहीं यानी प्याज लहसुन और सूखी मिर्च और हम टमाटर भूल गए थे बोलना, इसमें हमने दो टमाटर लिए हैं। आप अगर चाहें तो इसे कद्दूकस कर लीजिए, प्याज को भी कद्दूकस कर लीजिए, लेकिन हमने काट कर ही लिया है। पेस्ट भी बना सकती हैं आप अगर चाहें तो, लेकिन ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है तो हम इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा तेल हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और तेल ज़्यादा था तो हमने कम कर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच होंगे ऑयल, सरसों का ऑयल लिए हैं। अब गर्म हो गया है, हम इसमें अब तड़का लगाते हैं। हमारा तड़का चटकने लगेगा, उसके बाद हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद मसाला हम डालेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगती है, ज़रूर बनाकर खाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये कैसा लगा आपको हमारी रेसिपी। तो हमारा देखिए चटकने लगा है, अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। डार्क गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को तो सब्ज़ी में टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है डार्क। अब इसमें हमारे पास कस्तूरी लाल मिर्च नहीं है तो थोड़ा कलर अच्छा है सब्ज़ी में, इसके लिए हम 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर सब्ज़ी में अच्छा आता है इस वक्त डालने से। अब इसमें हम डाल देते हैं ये पेस्ट लहसुन प्याज वाला और जो पेस्ट बना था वही वाला। अब इसे हम भून लेंगे। ये सब्जी सच में बहुत लाजवाब बनती है, एक बार जरूर बनाइएगा और इस तरह से बनाकर खाइएगा और हमें बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको हमारे सब्जी। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो काट के हम रखे हैं। स्वाद अनुसार नमक, नमक उसमें भी है थोड़ा ध्यान से डालें। अब इसे हम तेल अलग होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, मसाला को अच्छे से भून लेंगे जिससे सब्जी हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसे हम ढक करके फ्लेम को हम हाई रखे हैं क्योंकि हम चलाते हुए भूनेंगे। आप अगर चाहें तो मीडियम कर सकती हैं और मीडियम फ्लेम पर भी इसे भून सकती हैं, लेकिन हम ऐसे भून रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, हमने इसे भूनते हुए 12 मिनट हो गया है और हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, देखिए इस तरह से भुना गया है अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए।
हमने 2 गिलास में इतना कम पानी यानी 1.5 गिलास से थोड़ा ज़्यादा है पानी इसमें ऐड कर दिए हैं। आप ग्रेवी अपने हिसाब से जितना गाढ़ी या पतली खाना हो उतना डाल सकती हैं। अब इसमें हम एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम अपना फ्राई किया हुआ ओल को डालेंगे इसमें, जिमीकंद जिसे जिमीकंद भी कहते हैं और सूरन भी कहते हैं। तो हमने ढक्कन लगा दिया है, अब उसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, तो हमारी ग्रेवी में उबाल आ गई है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ ओल को डाल देते हैं ऐसे, बस डालकर 2 से 3 मिनट इसे हम ढक्कन लगा कर इसे बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम दिखा देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, तो देखिए हमारा सब्जी तैयार हो गया है ओल का। आप अगर चाहें तो इसे अगर गाढ़ा करना हो तो थोड़ा और इसे उबाल लीजिए, अगर नहीं करना है तो इतना ठीक है। तो बस 2 से 3 मिनट लगता है, देखिए कितना लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में भी उतना ही लाजवाब लगता है। हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और एक बार ज़रूर बनाकर खाइए और हमें कमेंट करके लिख कर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारी रेसिपी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।